हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम कल वाली वीडियो की तरह ही इंस्टाग्राम पर पूछे सवालों का जवाब दे रहे हैं। वैसे तो आप नीचे देख ही लिए होंगे जो जो बेसिक हैं यहाँ पर थंबनेल में। तो मैं शुरू करते हैं। पहले है विशिष्ट करण जी का कि सर 16 दिसंबर नु ट्रैवल करना आई आर सी सी की जस्ट मेल आई है रीमेडिकल दी, बट 4 जन बाई नू एक्सपायर हो जाना रीमेडिकल। ओके सर, पहले कल जो इफ़ यू गॉट द मेल गेट योर मेडिकल डन ASAP, ओके एंड अपडेट देम एंड उसके बाद अपनी आप कॉलेज को और अपने कंसल्टेंट से आप कंसल्ट करें एंड मेक अ डिसीजन, बिकॉज आई थिंक आपका कॉलेज आपको बेस्ट गाइड कर सकता है ऐसी सिचुएशन में। बाकी मुझे आपका पता नहीं है, आप बेसिकली आपका इनटेक आप कौन सा है या फिर आपको डेफर का ऑप्शन है कि नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं, तो शायद मैं आपको सही ना आंसर कर पाऊँ। बट एनीवेज, अगर किसी को भी मेडिकल की रिक्वेस्ट आ रही है तो पहले फर्स्ट राइट ऑफ ऑल सब करवाओ साथ ही साथ, और सेकंड अगर आपने क्या कहते हैं अपने कॉलेज से बात करो, कुछ भी हो अपने कॉलेज एक बार डिस्कस करो। कॉलेज की प्रॉपर एक एडमिशन टीम होती है, हर कॉलेज की होती है। यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट कि मुझे उसने ये कह दिया, मुझे ये एजेंट ने ये कह दिया, मुझे ये हो गया वो हो गया। आप सीधा अपने कॉलेज से बात करो एंड दे वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। दे वर एवरी कॉलेज हैज़ वन डेडिकेटेड टीम रिगार्डिंग एडमिशन एंड पोस्ट डिपार्चर एंड प्री डिपार्चर एवरीथिंग। उनसे बात करें, वो आपको बहुत अच्छे से बताते हैं हर चीज़ को। प्लीज़ कोई भी बात होती है ना, कुछ भी आफ्टर एडमिशन वाली चीज़ें होती हैं, आई थिंक आपके कॉलेज आपको सबसे बेटर गाइड कर सकते हैं। तो प्लीज़ उनसे एक बार बात कर लिया करो, आपकी कन्फ्यूजन बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जी, एज यूजुअल नॉर्मल जो आई थिंक हर वीडियो में आंसर कर रहा हूँ और मुझे ही आंसर करने लगे ना, मुझे हो भी रहा है यार लोग बोर होने लग जाएंगे सेम चीज़ का, सेम ही रिप्लाई करता हूँ। बट एनीवे, जैसे सैंडी जी का है कि 12th 2020 पास आउट हैं वो, 75% आयल्स में 6 ओवरऑल, 1 में 5.5 कैनाडा वीज़ा चांसेस। वैसे तो मैं हर वीडियो में रिप्लाई करता हूँ जी, आप कोर्स अपना रेलिवेंट चूज़ करें, आपके आर्ट्स के साथ आपके कोर्स सब्जेक्ट के साथ इनलाइन हो एंड SOP अच्छी लिखें, आपकी फाइलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, आपके वीज़ा चांसेस अच्छे रहेंगे। 1 में 5.5 हो या फिर 5.5 पे वीज़ा नहीं आ रहे, नॉन एसियस के वीज़ा नहीं आ रहे या फिर वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट, और बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप अप्लाई करें। ठीक है जी, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगी या सही लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ यहाँ से कर लो, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर मैं डेली मंडे टू फ्राइडे दिन में एक बार ज़रूर लाइव होता हूँ एंड आई सी क्वेश्चन मैं डेली बेसिस वहाँ पर आंसर करता हूँ, और वो लाइव बाद में वहाँ पर हम सेव भी कर देते हैं। तो प्लीज़ टू ज्वाइन। ठीक है ना, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।